फिल्मी न्यूज का 61st एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉन विक की स्पिन ऑफ मूवी बैलरीना सेट होने वाली है जॉन विक 3 और 4 के बीच में, और सिनेमाकॉन के फुटेज में हम मैना दे अर्मास को एक शॉर्ट फाइट में देखते हैं एक स्नोई प्लेस में, और कियानू रिव्स एडवाइस दे रहे हैं मैना दे अर्मास को कि असैसिन कैसे बनते हैं, और ये फिल्म 6 जून 2025 को रिलीज होने वाली है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स 1 के सिनेमाकॉन के फुटेज में हम ऑप्टिमस प्राइम एंड मेगाट्रॉन के ओरिजिन्स देखने मिलते हैं जब वो वर्कर फ्रेंड्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सीखने से पहले, और इसका लोगो रिलीज हो गया है और 13 सितंबर 2024 को ये रिलीज होने वाली है। उसके बाद अवतार द लास्ट एयरबेंडर की नई एनिमेटेड मूवी का नाम रखा गया है एंग द लास्ट एयरबेंडर, और एरिक नाम को कास्ट किया गया है एज अडल्ट एंग, और डेव बटिस्टा विलन का रोल करने वाले है, और ये एक ट्रिलोजी होने वाली है ओरिजिनल क्रिएटर्स की तरफ से। उसके बाद मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सेकेंड सीजन रिन्यू हो गया है एप्पल टीवी प्लस के लिए, और एप्पल ने मल्टी सीरीज डील साइन कर ली है और मल्टीपल स्पिन ऑफ सीरीज के लिए भी, जहां पर मॉन्स्टरवर्स की बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर भी वेब सीरीज बनने वाली है। उसके बाद ग्लैडिएटर 2 का फुटेज दिखाया गया है सिनेमाकॉन में, जहां पर कॉलिसियम बैटल्स हो रहे हैं, कॉलिसियम में शार्क्स घूम रहे हैं, बैटल्स हो रहे हैं विद राइनोज शार्क्स बबून्स और कई सारे वाइल्ड एनिमल्स के खिलाफ, और पॉल मेस्कल का कैरेक्टर एक नोबल मैन है जिसने अपना प्रिविलेज रिनाउंस कर दिया है और वो पेड्रो पेस्कल के खिलाफ लड़ेगा, और फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होने वाली है। उसके बाद स्माइल 2 में एक सुपरस्टार सिंगर को द स्माइल कैप्चर कर लेता है और यहाँ से इस मूवी की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद डायरेक्टर गाय रिची की नेक्स्ट मूवी का टाइटल रखा गया है इन द ग्रे, स्टारिंग हेनरी कैविल, जेक जिलनहॉल, एल्जा गोंजालेस एंड रोजमुंड पाइक। उसके बाद माइकल जैक्सन की बायोपिक मूवी में 30+ सॉन्ग्स होने वाले हैं और 18 अप्रैल 2025 में ये रिलीज होने वाली है। उसके बाद द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट की नई मूवी के ऊपर काम शुरू हो गया है प्रोड्यूस्ड बाय लायंस गेट एंड ब्लम हाउस। उसके बाद प्रोजेक्ट हेल मेरी स्टारिंग रायन गॉसलिंग रिलीज होने वाली है 2026 में, क्रिएटेड बाय फिल लॉर्ड एंड क्रिस मिलर। उसके बाद कियानू रिव्स एक एंजल का रोल करने वाले है इन डायरेक्टर अजीज अंसारी की गुड फॉर्चून मूवी में। उसके बाद द स्पंजबॉब मूवी सर्च फॉर स्क्वेयर पैंट्स रिलीज होने वाली है 19 दिसंबर 2025 को। उसके बाद एम्मा स्टोन की नेक्स्ट मूवी उसके हस्बैंड डेव मैकेरी डायरेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद डायरेक्टर एम नाइट शयमालान की नेक्स्ट मूवी ट्रैप स्टारिंग जॉश हार्नेट रिलीज होने वाली है 9 अगस्त 2024 को। उसके बाद डायरेक्टर एडगर राइट की नेक्स्ट मूवी द रनिंग मैन को लीड करने वाले है ग्लेन पावेल। उसके बाद द नाइट मैनेजर ऑफिशियली 2 सीजन के लिए रिन्यू हो गई है और टॉम हिडलस्टन वापिस अपने रोल में आने वाले है। उसके बाद एक आर रेटेड टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स मूवी के ऊपर काम शुरू हो गया है। उसके बाद एक नई स्केरी मूवी रिबूट के ऊपर काम शुरू हो गया है। उसके बाद डायरेक्टर डेमियन सेजल की नेक्स्ट मूवी पैरामाउंट प्रोड्यूस करने वाला है। उसके बाद ब्रिजा जोन्स की नई मूवी रिलीज होने वाली है 14 फरवरी 2025 को ऑन पीकॉक, और रेनी जेलविगर वापस अपने रोल में आने वाली है अलोंग साइड यू ग्रांट, एम्मा थॉम्पसन एंड मोर। उसके बाद जोकर फॉली 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है स्टारिंग वॉकिंग फिनिक्स एंड लेडी गागा। उसके बाद स्कारलेट जोहानसन एंड चैनिंग टेटम की न्यू मूवी फ्लाई मी टू द मून का ट्रेलर रिलीज हो गया है और 12 जुलाई 2024 को ये रिलीज होने वाली है। उसके बाद मैक्सिम का ट्रेलर रिलीज हो गया है स्टारिंग मिया गौत। तो आपको ये अपडेट्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।